दोस्तों बिहार न्यूज में स्वागत है। मैं नवेद आलम, आप देख रहे हैं द मैसेज न्यूज में बिहार की टॉप खबरें। दोस्तों आज हो चुका है 4 अक्टूबर 2023, आपके लिए लाए हैं बिहार की टॉप खबरें। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले, हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो और शेयर करना ना भूलें। चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिहार के फटाफट अंदाज में टॉप खबरें। बिहार में जातीय गणना के आंकड़े जारी होने के बाद सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक। भाकपा माले और एमआईएम ने आरक्षण की उठा दी मांग, सीएम नीतीश कुमार ने कहा विचार करेंगे। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने जातीय गणना आंकड़ों पर उठाया सवाल, कहा नीतीश लालू में दम है तो किसी अति पिछड़ा को गद्दी सौंपे। वहीं सम्राट चौधरी ने कहा जातियों की संख्या छुपाया गया है। जातीय गणना पर प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार को घेरा, कहा चुनाव में नैया पार कराने के लिए राजद और जदयू ने खेला है अंतिम दांव, लेकिन इनको समाज की बेहतरी से कोई लेना देना नहीं। बिहार के पटना हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश पर लगा दी रोक, कोचिंग की टाइम तय करने का अधिकार नहीं, स्कूल के समय कोचिंग बंद रखने को कहा था। वहीं हाई कोर्ट ने कोचिंग एसोसिएशन ऑफ भारत के याचिका पर सुनवाई हुई। बिहार सीटेट में 3,726 के नीरेट हुए सफल, बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर ने मंगलवार को रिजल्ट किया जारी, 3,76,000 अभ्यर्थी थे शामिल। बिहार में सारेगामा ने शुरू किया हम भोजपुरी सुपरस्टार कॉन्टेस्ट, मिलेगा भोजपुरी सुपरस्टार बनने का मौका। टॉप 5 को सारेगामा करेगा लॉन्च, वहीं 30 नवंबर तक ले सकते हैं हिस्सा। बिहार के बांका झिंगरी गांव के पास ऑटो को बचाने में अनियंत्रित होकर यात्रियों से भरी बस गड्ढे में पलटी, दर्जन भर लोग घायल, शीशे तोड़कर यात्रियों को निकाला अस्पताल में, घायलों का चल रहा है इलाज। बिहार के पटना और राजगीर के बीच स्पेशल ट्रेन की शुरुआत, 3 घंटे में पैसेंजर को पहुंचाएगी राजगीर, सांसद रविशंकर प्रसाद ने दिखाई हरी झंडी। बिहार के पूर्णिया में बस और ट्रक के बीच भीषण टक्कर, हादसे में 5 यात्री समेत बस के खलासी गंभीर रूप से घायल, घटना के बाद चालक बस छोड़कर फरार, सभी घायलों को पूर्णिया जीएमसीएच में उपचार के लिए कराया गया भर्ती। बिहार के किशनगंज के नए डीएम तुषार सिंगला ने बहादुरगंज पहुंचकर जनसंवाद कार्यक्रम का किया आयोजन, लोगों को दी योजनाओं की जानकारी, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। बिहार के अररिया पुलिस ने स्मैक कारोबारी के विरुद्ध की बड़ी कार्रवाई, 200 ग्राम स्मैक के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, गिरफ्तार तस्करों के घर पर 20,30,000 रुपए नकद बरामद। बिहार में 14 सूत्री मांग को लेकर वार्ड सदस्यों का धरना प्रदर्शन, लखीसराय में बोले सरकार हमारे खाते में पैसा दे, एक ही साल में विकास दिखने लगेगा। बिहार के दरभंगा से जाने वाली ट्रेन के समय में फेरबदल, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों का जारी हुआ नया शेड्यूल, देख ले टाइम टेबल। बिहार के कैमूर में 3 दिन से लगातार हो रही बारिश, स्कूल में पानी घुसने पर रद्द की गई परीक्षा, लोग बोले जलस्तर बढ़ने की ऐसी स्थिति कभी नहीं देखी। बिहार के सासाराम डेयरी में रेल टिकट की कालाबाजारी करते 2 रेलकर्मी गिरफ्तार, क्राइम ब्रांच और आरपीएफ ने की कार्रवाई, कार्यालय में रंगे हाथ धराए। बिहार पुलिस परीक्षा में पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों ने जताया विरोध, गोपालगंज में निकला विरोध मार्च, कदाचार मुक्त परीक्षा कराने की मांग को लेकर की जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन। बिहार के कैमूर में किसान संगठन ने आक्रोश मार्च निकालकर मनाया काला दिवस, लखीमपुर खीरी के पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजा राशि और सरकारी नौकरी देने की किया मांग। बिहार के औरंगाबाद में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता योगेंद्र पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा नीतीश कुमार के साथ बीजेपी कभी समझौता नहीं करेगी। बिहार के कैमूर में वार्ड सदस्यों का आक्रोश मार्च, बोले सरकार हमें दे वित्तीय पावर, सरकारी राशि का बंदर बांट कर रहे हैं मुखिया और पंचायत सचिव। बिहार मुंगेर की बेटी सृजा सेन गुप्ता बनी मिस इंडिया, जयपुर में हुआ था कार्यक्रम का आयोजन, विधायक सहित कई लोगों ने दी बधाई। बिहार के बांका में 5 सूत्री मांग को लेकर आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, लोकगीत के माध्यम से जमकर केंद्र और बिहार सरकार पर बरसे। बिहार के बेगूसराय में असामाजिक तत्वों ने अम्बेडकर की प्रतिमा गिराई, आक्रोशित लोगों ने 4 घंटे तक सड़क किया जाम, दोषी पर कार्रवाई की किया लोगों ने मांग। बिहार के भागलपुर में सिपाही भर्ती परीक्षा में सेटर को किया पुलिस ने गिरफ्तार,
अभ्यर्थी को ब्लूटूथ तो उपलब्ध कराया था, मोबाइल जब्त कर जांच के लिए भेजा गया। बिहार के पटना में पुलिस मुख्यालय में दीदी की रसोई योजना की शुरुआत, सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन, सस्ते दरों पर स्वादिष्ट व्यंजन के किए गए इंतजाम। बिहार के पटना में सलम एरिया के बच्चों ने की बिहार म्यूजियम की सैर, नए चीज सीखने का मिला अवसर, बिहार के समृद्ध विरासत और इतिहास को जाना। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपके पास कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स है आप लिख सकते हैं, और साथ ही साथ आप कल का इंतजार कीजिए क्योंकि आपको फिर से दिखाएंगे बिहार के फटाफट अंदाज में टॉप खबरें।